नमस्कार संध्या सातरा प्रतिदिन को स्वागत करुछी मु शुभलक्ष्मी प्रथम हेडलाइंस। यूपी और महाराष्ट्र में कृषि ऋण छाड़ पर चापरे राज्य सरकार षोह कृषक संगठन दुई घंटिया बंद मंत्री कहिले प्रकृत चाषी ऋण छाड़ होगा उचित। राज्य कांग्रेस रे पुणी नेतृत्व परिवर्तन झड़ दिल्ली जिबाकु तैयार विधायक दल हाईकमांड नशुणिले नुआ समीकरण संकेत दे विधायक प्रकाश पाइला युक्त दुई फास्ट कटअप विज्ञान रेवेन्सा वाणिज्य में बीजेपी आगे कला टॉप 10 रु नामजादा कॉलेज बाद पड़ा को नहीं प्रश्न। मनरेगा महादुर्नीति मास्टर रोल रे मृत व्यक्ति और छात्री हेले श्रमिक लक्ष लक्ष टंकार अनियमितता बलांगीरू देखिबा ओटीवी अनुसंधानमूलक रिपोर्ट। प्याज चाषी हंतसंत टिटलागड़ कोल्ड स्टोर में सढ़ुची क्विंटाल क्विंटाल प्याज नुआपड़े संरक्षण अभाव शाग माछ दर में बिकुछंती चाषी एवं राति पहिले पहिली रज जोरसोर चली सजबाज घरे घरे पिठापणार महक खिलीपान सांग को जमीब रज दोली तास खेल आसर। कृषि ऋण छाड़ नहीं चापरे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र सरकार घोषणा परे ओडिशा रे चासी विरोधी दल और चासी संगठन कृषि ऋण छाड़ पाई दाबी जोरदार करिछंती। ऋण छाड़ दाबी और मध्यप्रदेश रे चासी को गुलीमाड़ प्रतिवाद रे आसंता सोहळ रे दुई घंटिया प्रतीकात्मक ओडिशा बंद डाकरा देछि नवनिर्माण कृषक संगठन। एपटे कृषि मंत्री कहिछंती जेउ माने चास करी ऋण नेउछंती केवल सेमानकर ऋण छाड़ करा जिबा उचित। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବଞ୍ଜାରୀ ଗାଁର ଚାଷୀ ରାମଗୋପାଳ ଭୋଇ ତିନି ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ 2015ରେ ସମଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିରୁ 44,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଓ ଭଲ ଫସଲ ନ ହେବାରୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିପାରିଲେନି ରାମଗୋପାଳ। ସେଥିପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆଉ ସେ ଋଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ରାମଗୋପାଳ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कृषि ऋण छाड़ घोषणा परे ओडिशा रे चासी भी ऋण छाड़ पाई दाबी जोरदार करिछंती। मध्यप्रदेश रे चासी को ऊपर को गुलीमाड़ प्रतिवाद और कृषि ऋण छाड़ दाबी रे आसंता 16 तारीख रे दुई घंटिया ओडिशा बंद डाकरा देछि नवनिर्माण कृषक संगठन। लोन होते हमर को अनुवार दाई तो 44,000 अछि थी आ ओसरा देई नि हमार की किछि नि हमार से तलकंदा महामसु हमको असुविधा हो जी आ केनता हिसाब से ला के छाड़ करले नवनिर्माण कृषक संगठन आज जो कल दौड़ी तीनटा कथा को लेकर एक तो सहित सोलीडारिटी शो करवा द्वितीय स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट को इमिडिएट इम्प्लीमेंट करवा तृतीय जे चाषी जो ऋण अच्छी ओडिशा रे ताकू केमिति छाड़ करा जीवो आमे दुई घंटा हरहरी बंद रखिबो एटा सिम्बोलिकली बंद करूछु। उत्तर प्रदेश रे कृषि ऋण छाड़ परे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिथिले एनेय अनुध्यान करा जाउछि। चासी भी आशा रखिथिले कृषि ऋण छाड़ हेबो, हेले ए पर्यंत राज्य सरकार निष्पत्ति नै नहांती। राज्य रे चासी को उपरे 27,636 कोटी टंकार ऋण भार रहिछि। ऋण छाड़ कले राज्य सरकार को उपरे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ी पारे। तबे कृषि मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत कहिछंती जेउ माने चास करि ऋण नेउछंती सेमानकर ही ऋण छाड़ करा जिबा उचित। ऋण जे चास करछन तब छाड़ करा जो जे चास नकरि ऋण नेछि ताकु छाड़ करा जाउ उचित न। जो चाषी जार माने जमी अच्छे एक अच्छे देढ़ एकर अच्छे दि एकर अच्छे ऋण छाड़ देवा उचित विचार करा जाउछि। जो मुख्यमंत्री जते मुख्य सरकार तांकर से कोन विचार करि मना करबी मोर मत स्पष्ट मत होछे या ऋण छाड़े सरकार बड़ बाधक साजिश भाग चाषी चिह्नट एने दुई दुई थर बैठक बसीले भी नुआ आईन चूड़ांत हो पारिनि। तेबे यहाँ ऋण छाड़ निष्पत्ति को विलंबित करिबनि त एबे ता उपरे नजर। लखनपुरु सुरेन्द्र बारिक और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन भवानी हरिहर चांद और निरंजन रेड्डी रिपोर्ट ओटीवी। हाईकमाण्ड को कांग्रेस विधायक चरमवाणी पीसीसी सभापति और प्रभारी परिवर्तन नहीं देबे डेडलाइन। हाईकमाण्ड न शुणिले नुआ राजनैतिक समीकरण संकेत देछंती किछि विधायक एने ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत हो सारी। खुब शीघ्र कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेटी सब कथा जणाइबे विधायक दल। हाईकमाण्ड दरबार रे विधायक शुणाइबे चरमवाणी मंगुआल परिवर्तन कर नहले कांग्रेस बुड़ीजीव पीसीसी परिवर्तन दाबी को निर्णायक मोड़ देवा को विधायक करिछंती निष्पत्ति। राहुल न शुणिले विधायक अन्य पंथा देखिले तबे कौन से पंथा ताहा गुप्त रखिछंती विधायक। विरोधी दल नेता घरे मंत्रालय गोटे दिन पर आज मुह खोलिछंती तीन विधायक। विरोधी दल मुख्य सचेतक तारा प्रसाद बाहिनीपति कांग्रेस को बंचाइबा पीसीसी सभापति जिला सभापति पर्यंत परिवर्तन पर दावी करिछंती। राहुल न शुणिले दल अन्य परिवर्तन संकेत देछंती विधायक जोगेश सिंह। 16 तारीख दिन भेटिबा को विधायक माने समय मागिथिले भी मिलिनाही।
राहुल गांधी निज आई को भेटा को बाहर को जाने ट्वीट कर संभवतः विधायक मैंने 18 तारीख से भेट पारती आमूलचूल परिवर्तन न हबो कांग्रेस दिनकु दिन दुर्बल हो पड़ जिते डेरी हबो सेते दुर्बल हबो तुरंत पदक्षेप नियाजाऊ सेतिपाई विधायक मैंने राहुल गांधी को समय मागिछु जे आम निश्चित भाव राहुल गांधी की देखा करू आ परिवर्तन पे दाबी करू कांग्रेस को बचेबार अच्छी हेले पीसीसी परिवर्तन निहाती दरकार आज इंचार्ज अच्छा हरिप्रसाद से निहाती दरकार परिवर्तन जदि परिवर्तन न हले गोटे बड़ धरण परिवर्तन हो कौच पर सेते बेले समय आसे कहबी मु एबे किछि कहबी नि आपण देखिबे से समय रे निष्पत्ति नबा दायित्व तो एसीसी रो आमे कोन चुडान तो निष्पत्ति नबो आमे हमर जा ग्रीवांस अछि आमे कहबू एसीसी को मोस्ट प्रोबली 18 को समस्त प्लान करछन्ती एपटे विधायकक ए गुप्त बैठक को दिल्ली जिबा नै दल कहिछि हाईकमान को बिना निष्पत्ति रे कांग्रेस रे पत्र हरे नै श्रृंखला रक्षा पाई विधायक को परामर्श दैछन्ती मुखपात्र कुटिन प्रसाद को सदस्य हाईकमान कौनसी प्रकार निर्देश बिना ये पत्र हले ना तेणु हाईकमान जहाँ निष्पत्ति करेंगे किंतु हाईकमान निष्पत्ति पूर्व गणमाध्यम जब ये किए कौन व्यक्तिगत भाव चर्चा करुच्ची भावुची एटा ठीक नुहे जहाँ तो आम नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी आम 50 जापरबू थे कौन आम घर मुरबी से जापरतु महानदी प्रसंगे राष्ट्रपति को भेटा को दिल्ली जी बाहन हाईकमान को भेटी पीसीसी परिवर्तन दाबी रखी विधायक पर टीम प्रसाद सदस्य मंगुआ परिवर्तन नक लबी करते पुणी विधायक दल प्रसाद हटा अभियान में आर पार लड़े प्रस्तुत होती क्यमेरा पर्सन देवजानी सामंतराय शांतिभूषण मिश्र ओटीवी सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट विभ्राट मामलें आउ 169 पिलांक खाता पुनः मूल्यायन हेबो मास पिटिशन सुनानी करी आज हाईकोर्ट एही निर्देश देछंती ए छात्र छात्री 15 तारीख सुधा सीबीएसई रे पुनः मूल्यायन पई आवेदन करिवे एवं 30 तारीख सुधा रिजल्ट प्रकाशन पई हाईकोर्ट निर्देश देछंती सेपटे घटना रे सीबीएसई पक्षरु हाईकोर्ट रे एक रिव्यू पिटिशन दाखल करा जायछि पुनः मूल्यायन नुहे पुनः जांच करा जिबा दाबी नै सीबीएसई एही रिव्यू पिटिशन दाखल करिछि अपरपक्षरे रिजल्ट विभ्राट एवं सीबीएसई रो व्यवस्थागत प्रसंग उपरे आलोचना पई अभिभावक महासंघ खूब शीघ्र राज्य स्तरीय सम्मेलनी करबाकु घोषणा करिछि एई सम्मेलनी रे अभिभावक छात्र छात्रिंक समेत विभिन्न सामाजिक संगठन को शामिल करा जिवो एथिसह विशेषज्ञ मानकु नै गठित कमिटी जरिया रे पिलांक खातार फोटो कॉपी मार्क जांच करा जिवो एवं एई कमिटी रो सुपारिश आधार रे अभिभावक संघ सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ हेबो तेबे राज्य स्तरीय सम्मेलनी पर्यंत अभिभावक महासंघ आंदोलन को स्थगित रखा जैतिबा यार अध्यक्ष सुदर्शन दास सूचना देछंती आमर जो आंदोलन कार्यक्रम को 17 तारीख पर्यंत स्थगित रखुचु 17 तारीख रे गोटे राज्य स्तरीय गोटे कन्वेनसन डाकरा दौचु एवं सेठी समस्त आगे उपस्थापित करू समग्र घटना को उपस्थापित करू एवं तापरे आमे निष्पत्ति करू जे कौन आमे कार्यक्रम करू युक्त दुईरे नाम लेखाइबा प्रथम पर्याय कट ऑफ मार्क प्रकाश पाई विज्ञान रे बीजेपी को पछरे पकाई रेवेन्सा बाजी मारिथिबा बेले कमर्स रे बीजेपी निज स्थिति बजाय रखी तेबे ताजुब करिछि कलार टॉप 10 तालिका राज्यर प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान को पछरे पकाई स्थान अख्तियार करिछंती ग्रामांचलर केतेक छोट कॉलेज जहां अनेक प्रश्न ठिया करिछि कमुची की कला विषय प्रति छात्र छात्री आग्रह रेवेन्सा और बीजेपी भली अग्रणी कॉलेज कहीं टॉप 10 रे पाइले नाई स्थान प्रथम कट ऑफ घोषणा पर सृष्टि एमिती अनेक प्रश्न कलारे एथर सहर बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान अपेक्षा ग्रामांचल छोट छोट कॉलेज टॉप 10 रे स्थान अख्तियार करिछंती रेवेन्सा बीजेपी शैलवाला और रमादेवी भली शिक्षानुष्ठान को पछरे पकाई केन्दुझर घसीपुरार पत्यभवन जूनियर कॉलेज एठारे कलार प्रथम कट ऑफ रही 80% 79.17% सहित नरसिंहपुर जूनियर कॉलेज द्वितीय स्थान में थिबा बेले 78.83% कट ऑफ सह तृतीय स्थान में रही बालेश्वर कृष्णचंद्र पिपिली जूनियर कॉलेज तेज छात्र छात्री निज अंचल रही कला पढ़ाक पसंद करुवा शिक्षाविद युक्ति बाढ़ जनरली आम आर्ट्स देखा जाए पे रीजन स्पेसीफिक जो अंचल पिला पास करते अधिक मार्क रखी जब आर्ट्स चाहते पढ़ापी तो पढ़ते कि सैंस कमर्स जेनेल से माइग्रेट कर भल भल कलेज पलैसा तो से जो बाहर कॉलेज गुड़ाक मार्क अधिक उठता है कि आर्ट्स जेनेली से ही अंचल पिला से ही पकाते मुझे कहूना जो बहुत भल सैंस भी पाठ पढ़वार सुविधा अच्छी किंतु कलापाई तो आहरी खराब अवस्था जोटा बोधे पे अनुमान करें से बड़ कॉलेज प्रति आग्रह रखुना पाठ पढ़ार खर्च से तुलवा मुस्किल से आखपाख गाँव में कौ गोटे कलेज मैनेज हो
ଏପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ ଟପ୍ରେ ରହିଛି। ଏଠି କଟ୍ଅଫ୍ ରହିଛି 93.17%, 92.67% କଟ୍ଅଫ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେବି ଜୁନିୟର କଲେଜ। ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବିଜେବି। ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ଅଫ୍ 83.6% ଥିବାବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ରହିଛି 80.67%। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ଖଲିକୋଟରେ ଏଠି ଆଡମିସନ ନେବାକୁ, ମାତ୍ର ଏଥର କଟ୍ଅଫ୍ ଅଛି 87, ମୋର ବି ଆସିଛି 87। ଦେଖାଯାଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତ ବାହାରି ସାରିଲାନି, ଦେଖାଯାଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ନ ନେଇକରି କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ SBI କଲେକ୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 90% ଏବଂ ଅଧିକା ନ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସେସ୍ ବଢ଼େଇବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଧିକା କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛୁ। ଜୁନ୍ 16-19 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡମିସନ ଚାଲିବ। ତେବେ ପରିବାରର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 9 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 6 ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦାଦନ ପ୍ରମାଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପାଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଓଟିଭି ହାତରେ। ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଦେଖିବା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। ଭୂତ କରିଛି ମାଟି କାମ, ମନରେଗା କାମରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଶ୍ରମିକ ସାଜିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମଲା ମଣିଷ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଚକିତ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲପାଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। 2016-17 ମସିହାରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ମାଟି କାମର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4494। 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମହୁଲପାଟି ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରଗରିଆଙ୍କ ନାଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମରେ ମାଟି କାମ କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁରେକେଲା CHC ର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି April 1, 2008 ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4671, 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗଇନ୍ଦିମାଲ ଗାଁର ଋଷି ଧରୁଆଙ୍କ ନାଁ। ହେଲେ ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3113, 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରୂପାଲି ସାହୁ। ସେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ମଲାଲ ଯେନ୍ମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 12-15 ଦିନ ଲେଖା ହାଜରା ପକା ହେଇଛି। 20-30 ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହାଜରା ପକା ହେଇଛି। ଯେନ୍ମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରୁଛନ୍, ଚାକିରି କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି ହାଜରା ପକା ହେଇଯିବାର। ଯେନ୍ମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ରିକଭରି କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତମେ କାମ କରିକି ଥିଲ? ନାଇଁ କରିନି। ତମ ନାଁ ହାଜରା ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ କରି। ହାଜରା ପଡ଼ିଛି ତମ ନାଁରେ? କାଁ କରବ ପଢ଼ଲେ କି ବିଲକୁଲ ନି କରି ବିଲକୁଲ ମହୁଲପାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ 2016-17 ମସିହାରେ 60 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମନରେଗାରେ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଠୁ, BJP ନେତାଠୁ ଆମ ଦଳର MLA ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। NRGS ସବୁବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି, ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ କରିବ, ଏନକ୍ୱାରୀ କଲେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭୁଲ, ଯଦି ଭୁଲ ବାହାରୁଛି ଆକ୍ସନ କରାଯିବ। ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ, 2 ପଇସା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମନରେଗାର ମହାଦୁର୍ନୀତିର କଥା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସରାଗ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପିଆଜର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାଇତି ରଖିବାର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଣି କେଉଁଠି ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ପିଆଜ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଖଡ଼ିଆଳିରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ।
ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଢ଼ୁଛି ପିଆଜ, କେଉଁଠି ପିଆଜ ଭର୍ତ୍ତି ବସ୍ତାରୁ ପଚା ପଚା ପାଣି ବୋହୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ପ୍ୟାକ୍ ହାଉସ୍ର। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଆଗକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଆଶାରେ ଚାଷୀ ଏଠି ସାଇଜିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଶା ମୌଳିବାକୁ ବସିଛି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ 160 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ରଖିଥିଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ହେଲେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କହିଛି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। କାଣା ହେଇଛି, ସବୁ ପିଆଜ ପାଣି ପାଜିରି କରି ସବୁ 70% କୁଇ ବସିଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରାହେଇନି, ସେଟା ଚାଷୀ 6 ମାସ ପରେ ପିଆଜି କାଢ଼ିବ ନା କମ୍ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ିବ ରେ ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ 77 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରଖିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, 77 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 20-25% ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ତ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି। ପିଆଜ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିକି ତାକୁ 7-8 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇକି ରଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ବେଗିଂ କରିକି ଆଣିକି ରଖିବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଭଳିଆ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। ତାପରେ RH ମିଟର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର ମିଟର ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ପିଆଜକୁ ନିଜ ଘରେ ସାଇଥିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ଚାଷୀ। ଆଶା ଆଗକୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ହେଲେ ତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ 2-3 ମାସ ପିଆଜ ଏଭଳି ସତେଜ ରହିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଆଜ ଚାଷର ଗାଁ କାଲିମାଟିରେ ନାହିଁ ପିଆଜ ସାଇତା ଘର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସାଇଥିବାକୁ 90 ପିଆଜ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଲାଗି 50 ପକେଟ୍ ହେଲା, ସେ ଉଇଲ୍ ରଖ୍ବାକେ ଆମର୍ ଜାଗା ନି ନା, ହେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସବ୍ କୁହି ଯାଉଛେ ନା, ଉଇଲର୍ ରେଟ୍ ବି ନି ନା, ରେଟ୍ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ 90 ପିଆଜ ଘର ଏଭଳି କରା ହେଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କର ମିଶାଇଲେ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କରାହେଇଛି, ଯଦି ଚାଷୀ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଖଆଖ ଚାଷୀ ମାନେ ମିଶିକି ବି ତାକୁ ରଖନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମାଇଧର ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ସେପଟେ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିଆଜ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିଲାନି, ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 50% ସେଇଠାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଆସିକରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ RMCS ଅଛି ତା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବାର ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିକୁମା ଗାଁରେ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଘରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଲିସ୍ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ସାନ ପୁଅ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର 2-3 ଲୋକ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପିଟାପିଟି କରି ମାରି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତା ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ଇଏ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ଯାଇକି ତା 2-3 ଲୋକ କହିଲା, ସେମାନେ ଡରିକି ଆସିଲେନି, ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମରି ପଡ଼ିଛି। ସେଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଗରୁ କହିବା ଠିକ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ଆଜି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିକାଶ ଯେପରି ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟରେ ସେପରି ହୋଇନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। अब 12% एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, जो पैसा आप एक अलग तरीके से कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस में मिलेगा, वो तो वैसे ही मिल रहा है। उसके बाद स्पेशल स्टेटस की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार यहां पर विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसकी जवाबदारी यहां की सरकार की है। क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया है, और पिछले 17 साल से सरकार है। आमे भी आज भी एक कथा कहूँ जो आमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दबा आवश्यकता रही एथिरे केंद्र सरकार बाधक साजुंट जो पर्यंत केंद्र सरकार यहाँ मानवे ना से पर्यंत निश्चित रूपे आम दाबी आम बारंबार उठाऊ।
पीसी बंद पर तागिद पर दुर्नीति क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस पर जिलापा मुख्यमंत्री निर्देश जिलापा कर्मशाला शेष दिन में निर्देश देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जनसाधारण स्वार्थ को आखिआगे रखी साहसिक पदक्षेप ने मुख्यमंत्री परामर्श देते एथर कर्मशाला फोकस ग्रामांचल गृह निर्माण सारा देश में ओडिशा भल कम कर जिलापा मुख्यमंत्री पुरस्कृत करते लोकाभिमुखी योजन थ्री टी टीमवर्क ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी चतुर्थ टी ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ा नवीन जिलापा कर्मशाला मिली भल परामर्श को राज्य सरकार कार्यकारी करे नवीन सूचना जिलापाल मानक मतामत भी निगला कि यही स्कीम गुड़ आम कि भाव इम्प्लीमेंट करूँगर जो प्रॉब्लम अच्छी फील्ड रे से विषय भी पुंगखानुपुंख भाग आलोचना करागला एवं बहुत भलो ब्रेन स्ट्रमिंग एंड आई थिंक आम एटी जाइकी गवर्नमेंट जी तीन टा टीर उपर आमको कही फोकस करने इमिडियेटली फोकस करूँ आम निजे भी यही दूर दिन मानते गोटे सिटीजन हो जाइलु तो से आई एम श्योर कि आम इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ नुआ 500 टंकिया नोट जारी कला रिजर्व बैंक एथिबा नंबर पैनल रे इनसर्ट लेटर ए सहित आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल स्वाक्षर रही पछपटे मुद्रण वर्ष 2017 उल्लेख रही विमुद्राकरण पर जारी होता 500 टंकिया नोट पर महात्मा गांधी सीरीज्र यह नोट जारी होई नवंबर 8 पर जारी होता नुआ 500 टंकिया नोट वैध रही आरबीआई पक्ष युवक माने देशर भविष्यत सेमाने राज्य सरकार विकासर वार्ता तृणमूल स्तर में पहुंचाइबाकु परामर्श देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज बालेश्वर में बीजेडी पक्ष आयोजित उत्तर ओडिशा स्तरीय युव सम्मेलन अवसर में मुख्यमंत्री जोगदे केन्द्र सरकार विफलता उपर बखाणी परे मुख्यमंत्री बालेश्वर मेडिकल परिसर में मां और शिशु भवन सहित 11 प्रकल्प को उद्घाटन करते आसंता शिक्षा वर्षर बालेश्वर मेडिकल कलेज नाम लेखा आरंभ हो घोषणा करते मुख्यमंत्री आज सजबाज राति पाहिले रज उपकूल ओडिशा रे आडंबर सहकारे पालन होता तीनदिनिया पर्व पर प्रस्तुति शेष हो गां टू सहर सबुठी रजपाय अफुरंत उत्साह और आनंद आसंत देखा रजपाय केमिति हेलाने सजबाज परंपरार महक सहर रे स्वतंत्र प्रस्तुति समस्त अपेक्षा काली सकाल को कारण राति पाहिले ओडिया घर बड़ पर्व रज रजवती हेबे माटीमा सेथिपाई कुहा जाए रज हेउछि कुआरी झियंकर पर्व रज तीन दिन एमानकु काम मना खाली पादरे चालिबा भी मना नुआ ड्रेस पिंधि हातरे मेहंदी पादरे अलता मुंडरे चंदन र टीपा लगाई एमाने दोली खेलंती रज दोली गीत भी गांती केवल झियो नुहे रज तीन दिन पुओ माने भी मौजरे मातंती जमे तास पसा बागुड़ी खेल आसर रज मौज को आहुरी सुवासित करे खिलीपान बहुत खुशी लगुच सहित बुलाबूली कर दोली खेलिया आरेंजमेंट भी बहुत भल अच्छी आम पान भांगी खाऊ सांग खुआखुई करुचु ये दोली भी बहुत लगी सांग सहित बुलाबूली भी करुचु सहर रे रज पई सजा राज्य पर्यटन निगम पक्षर भुवनेश्वर पांथ निवास आयोजित होई स्वतंत्र कार्यक्रम आकर्षण दोली भली की भली पिठापणा पान पुणि गां परिवेश रज किणाकिणी बजारे जमिती गोड़ बोलुनी शॉपिंग मॉल ठू नहीं दुकान बजार खचाखच भिड़ रज तो आम झील फुल मस्ती करू झी मैने दोली खेलू मैंने नुआ ड्रेस पिंधु सज बाज होजय करू रजपाय सबु सज सरी पहली रजर मौज को अपेक्षा सालेपुर मनोज आचार्य और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संतोष तराई अर्चना शतपथी रिपोर्ट ओटी
यूपी और महाराष्ट्र में कृषि ऋण छाड़ पर चापे राज्य सरकार षोह कृषक संगठन दुई घंटिया बंद मंत्री कहे प्रकृत चाषी ऋण छाड़ होगा उचित राज्य कांग्रेस रे पुणी नेतृत्व परिवर्तन झड़ दिल्ली जिबाकु तैयार विधायक दल हाइकमांड नशुणिले नुआ समीकरण संकेत दे विधायक प्रकाश पाइला युक्त दुई फास्ट कटअप विज्ञान रे रेवेन्सा वाणिज्य रे बीजेपी आगरे कला टॉप 10 रु नामजादा कॉलेज बात पड़ा नहीं प्रश्न मनरेगा महादुर्नीति मस्टर लोन में मृत व्यक्ति और छात्री हेले श्रमिक लक्ष लक्ष टंकार अनियमितता बलांगीर देखिले ओटीवी अनुसंधानमूलक रिपोर्ट पिज चाषी हंतसंत टिल्लागड़ कोल्ड स्टोर में सढ़ुची क्विंटाल क्विंटाल पिज नुआपड़ा संरक्षण अभाव शागमाछ दर में बिकुंट चाषी एवं राति पाहिले पहली रज जोरसोर चली सजपाच घरे घरे पिठापणार महक खिलीपान सांग को जमीब रज दोली और तास खेल आसर समय शेष होती प्रतिदिन को रखा अधिक खबर लगन करता वेबसाइट ओडिशा टीवी डॉट इन नमस्कार।